अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, और याद रखना है कि अपने ब्लॉगर वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट है, उसको गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करना, लिंक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि तब जाके हमारी जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज होती है, गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक होती है। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे। हालांकि मैंने पहले ये ऐड की हुई थी, अपनी वेबसाइट को ऐड किया हुआ था गूगल सर्च कंसोल के अंदर, लेकिन बाय द वे फिर भी ये मिस्टेक आ गई है। तो इसको कैसे दूर करेंगे, तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लेना है। कैसे लेना है, उसके यहाँ पे डिफरेंट मेथड है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने अपने ब्लॉगर पे चले जाना है, तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डॉट कॉम से पहले पहले जो ना, डॉट कॉम से पहले पहले आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने ऐड करना है, लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, या यहाँ पे जो वेरीफाई योर ऑनरशिप है इस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड है, तो ठीक है, तरीकाकार जो आगे शो होगा वो सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है वेरीफाई योर ऑनरशिप, मैं इस पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है कि चेकिंग वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वेरीफाई योर ऑनरशिप, कि अपनी ऑनरशिप को वेरीफाई करो। तो मैं यहाँ पे HTML टैग के जरिए भी कर सकता हूँ, गूगल एनालिटिक्स के जरिए भी कर सकता हूँ, गूगल टैग मैनेजर डोमेन नेम और प्रोवाइडर के जरिए भी कर सकता हूँ, लेकिन आसान तरीकाकार है HTML टैग का, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे एरो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कॉपी दिया हुआ है, ठीक है, कॉपी कोड। इस कॉपी कोड पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे अपने ब्लॉग पे। तो ब्लॉग पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको थीम नज़र आ रहा होगा, इस थीम पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज के नीचे आना, और यहाँ पे एडिट HTML के क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप एडिट HTML पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको हेड नज़र आएगा लिखा हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग पे ही, ऑलमोस्ट ये स्टार्टिंग पे ही आता है, तो आपने ये हेड ढूंढ लेना है, स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। तो उस हेड के पे कर्सर आपने रखना है, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप वहाँ पे जो कोड आपने रखा था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे आप सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रोसेसिंग, मतलब कि प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ये अपडेट होगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने वहाँ पे जाना दोबारा गूगल सर्च कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे तब तक हम वेट करेंगे। तो ये देखिए अपडेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आना आपने, आपने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना, ऊपर वाला वेरीफाई उस पर नहीं क्लिक करना, नीचे वाला जो HTML टैग है वो हमने यूज़ किया, तो इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कहता है दिस मे टेक अ मिनट, तो ऑनरशिप वेरीफाई, गो टू प्रॉपर्टी, कि हमारी जो ऑनरशिप है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो अब हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।